हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास सिक्स की साइंस की बुक लेकर आए हैं। इसका क्वेश्चन आंसर सैंपल पेपर करेंगे, वर्कशीट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्कशीट फॉर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ ध्यान से मेरे साथ कीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का ये रिविजन भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर वन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन्स मिलती है, तो ऐसा खाने में क्या क्या होता है। आंसर, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कि स्टार्च की मात्रा होती है, जैसे कि राइस। देन कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलती है, आलू से मिलती है कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमें एनर्जी देती है। प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। फैट, फैट की भी हमें एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है। फैट बटर से मिल जाती है और फैटी सामान जितने भी हैं, घी, बटर। देन विटामिन्स जो है वो हमें ज़्यादातर फ्रूट्स से मिल जाती है या फिर किसी वेजिटेबल्स से मिलती है। देन मिनरल्स, अनेक मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। फॉस्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के मिनरल्स भी हमें बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड कहलाया जाता है। ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें फूड में ही मिलता है। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। साथ में डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमारे खाने में बहुत ही ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर हमें कहाँ से मिलती है, जो भी फाइबरस जिसमें रफरेज होती है, जैसे कि पालक की सब्जी, साग में हमें बहुत फाइबर मिलती है, फ्रूट्स में हमें मिलता है फाइबर्स। देन अगर आप लोग मक्की अगर खाते हैं उसमें हमें फाइबर मिलता है, तो फाइबरस फूड भी हमें बहुत ही ज़रूरी होती है अपनी डाइट में रखने की, और साथ में पानी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। आंसर के लिए हमें हमारे पास नेम द फॉलोइंग का आंसर। नंबर ए का है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। मैंने पहले भी बताया कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो हमें हमारे बॉडी को क्या देती है, एनर्जी देती है। नंबर बी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जरूरी है, वो होती है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स और द न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए। ओके, प्रोटीन किससे मिलती है, अगर आप लोग दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, दूध पीते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है। इससे हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी हाइट बढ़ने के लिए भी हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। नंबर सी, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। हमारे आँखों की रोशनी जो अच्छी रहे उसके लिए हमारा कौन सा विटामिन ज़्यादा ज़रूरी है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो कि हमें ऑरेंज कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में मिलती है, जिस तरह से आप पम्पकिन में मिलती है, ऑरेंज में मिलती है, और पपाया जो है पका हुआ उसमें विटामिन ए। विटामिन ए के लिए हमें ऑरेंज कलर के सब्जी और फ्रूट्स खाने हैं, जिससे हमारी आँख की रोशनी अच्छी बनी रहती है। नंबर डी, द मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम हमें ज़्यादातर दूध से मिलती है, उसके अलावा भी वेजिटेबल्स में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द टू फूड्स विच ईच रिच इन स्टार्च। स्टार्च जिस फूड में ज़्यादा हो, जैसे कि बटर, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, बटर तो आपको पता ही है, इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि हमें एनर्जी देती है। और स्टार्च वाले होते हैं राइस एंड पोटैटो, आलू और चावल में भी बहुत स्टार्च होती है। देन डाइटरी फाइबर, होल ग्रेन, फ्रेश फ्रूट्स। डाइटरी फाइबर के लिए हमें होल ग्रेन्स लेने हैं, जैसे कि छिलका वाला दाल या फिर मक्के जो होता है, मेज, वो भी उसमें भी बहुत डाइटरी फाइबर होती है। देन फ्रेश फ्रूट्स में अगर हम लोग चबा चबा के खाते हैं, जूस बना के नहीं, तब तो फाइबर्स हम लोग निकाल देते हैं, तो फ्रेश फ्रूट्स में भी बहुत फाइबर्स होते हैं। देन प्रोटीन, प्रोटीन के लिए हमें पल्सेस एंड फिश लेनी ज़रूरी है। पल्सेस में दाल आते हैं और फिश जो है मछली होती है, जिससे कि हमें प्रोटीन मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, टेक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट।
By eating rice alone, we cannot fulfill nutritional requirement of our body. सिर्फ चावल खा के हम लोग अपने बॉडी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं मिलती है. अगर जो है लेबर है, हार्ड वर्क करता है, वहाँ बोरियाँ उठाता है नमक का, कुछ भी लेबर का काम करते हैं, उनके लिए राइस बहुत ही ज़रूरी है. वे अगर राइस भी ज़्यादा खा लेते हैं तो वह काम कर पाएंगे. लेकिन हम अगर सिर्फ हम जो कि पढ़ाई करते हैं, बैठे रहते हैं ज़्यादातर पढ़ाई में, आजकल तो गेम्स भी नहीं खेलते, तो इनके लिए सिर्फ राइस खाने से नहीं होगा, क्योंकि राइस सिर्फ एनर्जी देगी और हमारी फैट बन जाएगी. हमें पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलना पड़ेगा अपने खाना में. तो इसमें लिखा है कि बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट. नंबर बी, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. अगर हम लोग फूड आइटम्स वैरायटीज में खाएं, एक ही चीज़ ना खा के डिफरेंट आइटम्स खाएं, तो हमारे डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो कम हो सकती है. यस, दिस इज करेक्ट. हमें अपने फूड में वैरायटी रखनी चाहिए. नाउ, बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. बैलेंस डाइट बनने के लिए, हमारे बॉडी में बैलेंस डाइट मिलने के लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खानी चाहिए. यस, सिर्फ दाल या सिर्फ दूध या सिर्फ चावल या सिर्फ वेजिटेबल खाने से नहीं होगा. हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स, देन बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन, देन फैट, देन सभी न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है. मीट अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. यस, सिर्फ मीट खाने से पूरे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. रिकेट, विटामिन डी की जब हमें कमी होती है तो हमें रिकेट होती है. क्या होती है? हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है. देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेस अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी. अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो हमारे में एक बीमारी होती है, उसे बेरी बेरी कहा जाता है. इसके बारे में आपने लेसन में पढ़ा था. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस डिजीजेस नोन एज. विटामिन सी की अगर कमी हो तो हमें स्कर्वी हो जाती है. विटामिन सी हमें खट्टे वाले फ्रूट्स में मिलते हैं ज्यादा. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. अगर विटामिन ए की कमी हो तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. तो ये छोटा सा सैम्पल पेपर है, रिवीजन वर्क है. आप इसको अगर आप करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए. अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा. और आप लोग मेरे चैनल को मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये भी बेनिफिट हो सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके. और कौन कौन से वीडियो मैं बनाऊँ ये ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं. थैंक यू.